एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार करने के लिए गए थे उसी वन में कड़व ऋषि का आश्रम था। कड़व ऋषि के दर्शन के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक सुंदर कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, देवी आप कौन हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कड़व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनका इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कड़व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम ले आए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले तुम क्षत्रिय कन्या हो, मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन शकुंतला से बोले, प्रियतमे मुझे अब अपना राज्यकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कड़व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम प्रतीक रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उस आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण उनके आगमन का ज्ञान नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि को यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालके मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कुछ काल पश्चात कड़व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपना गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कड़व ने कहा, पुत्री विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है, अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। लेकिन मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते हुए शकुंतला से महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी, जो प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कड़व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला का विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर अनर्गत आरोप लगने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उनकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट स्वरूप भिजवा दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया, वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर शेर के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था। वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को रोक न सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। तब सखी ने आश्चर्य से देखा, बालक की भुजा में बंधा हुआ काला धागा पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात हुआ कि बालक को जब भी उसके पिता अपनी गोद में उठाएंगे वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेक्स हिंदुस्तान हिंदी को और कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी है। धन्यवाद।